जय जय श्री राधे। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ, आई होप आप लोग भी बढ़िया ही होंगे। और यार हमने बना ली सुबह सुबह अपने लिए मतलब लंच लंच के लिए प्रिपेयर करके रख दिया सब्जी। और आज बनाई है हमने भिंडी, भिंडी बनाएंगे, भिंडी बनाई है और भिंडी ही खाएंगे। और यार ये हो रहा है पानी हमारा गर्म, तो पानी गर्म हो जाए उसके बाद फिर नहाते हैं और जल्दी से नहा धो के फिर निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। सुबह सुबह यार बाल तो सही सेट हो जाते हैं, आपको भी ऐसे ही लगता है ना? सुबह सुबह बाल सही सेट होते हैं लेकिन जैसे ही आप नहा के निकलोगे ना सो सब बाल ऐसे चिपक जाएंगे। ओ हो बेकार। मैं ड्रायर यूज़ नहीं करता क्योंकि ड्रायर से यार पता नहीं क्या बाल बाल झड़ने लग जाते हैं, डैमेज होते हैं वो, इसलिए मैं रोज़ रोज़ तो यूज़ नहीं कर सकता। मतलब मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ, रोज़ रोज़ की बात ही क्या। आप लोग कहते हो यार ये सुबह सुबह बनाने लग गया था सब्जी वब्जी यार क्या? हाँ यार भाई, तो कि लंच टाइम पे आओ, 1 बजे आओ, मैंने बताया था ना आपको कितनी प्रॉब्लम होती है, आओ बनाओ खाओ पियो। तो इतने में जितना हो सके उतना काम पहले ही निपटा जाता हूँ। तो आ चुके हैं वापस से रूम पर और यार अब लग रही है बहुत तेज भूख, तो पहले बना लेते हैं कुछ खाने के लिए। यार इस टाइम तक तो ऐसा लगता है जैसे कोई बस प्लेट रख दे मेरे आगे सर्व करके, बना बनू के रख दे बस। अब हिम्मत नहीं होती है खाना वाना बनाने की यार, पता नहीं क्या ऐसा लगता है कोई बना के दे दिया करे अच्छा लगता है। घर जाओ ना तो घर पे जाने के यही फायदे होते हैं कि मम्मी अपने आप लाती हैं और प्लेट में सर्व करके ले आएंगी और बस बैठे बैठे खा दे रहो। और यहाँ तो यार खुद बनाना है, खाने के तक तो ठीक है लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है बर्तन साफ करने में। ठंडा के यार ठंडे ठंडे पानी से बर्तन साफ नहीं होते यार बिल्कुल भी। चलो मैं बना लूं। वाह क्या गोल रोटी सीखी है, मस्त है ना? बढ़िया। फूल गई देख, क्या बढ़िया फूली हो रहा है। अब इस पे लगा लेंगे हम थोड़ा सा घी, राउंड राउंड रोटियां। बढ़िया बढ़िया। हो चुका है हमारा खाना रेडी, तो जल्दी से अपनी शीट बिछाते हैं और खाना खाते हैं। वेट नहीं होता भाई खाना बन जाए एक बार, तो पता नहीं क्यों वेट नहीं कर सकता मैं खाने के लिए। आप पर हो जाता है वेट? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये है हमारा आज का फूड, भिंडी की सब्जी और 4 रोटी। चलो हम इसे खा लेते हैं। मिर्चा का यार बहुत ज्यादा स्पाइसी है, तो बहुत तेज स्पाइसी मिर्च निकल आ गई यार। यार ये तो बिल्कुल दांत के नीचे आ गई, कुछ मीठा खा के आना पड़ेगा। मिर्च बहुत तेज है भाई, बहुत तेज है एकदम से, वो जीभ और दांत के बीच में आ गई यार, उसकी वजह से हालत खराब हो गई है। पहले तो मीठा खाऊं, कुछ क्या रखा है देखता हूँ। चॉकलेट रखी है भाई, ये अच्छा एक चॉकलेट रख गया। चॉकलेट खाऊं पहले तो। एकदम से तो चॉकलेट भी असर नहीं करने वाली। तभी गुस्सा आती है कभी कभी। उसे मैंने वीडियो में बोला था ना ये ज्यादा स्पाइसी होती है, वो कुछ ज्यादा ही स्पाइसी निकला यार। तो वो एक्चुअली क्या है, वो दांत और जीभ के बीच में आ गई एकदम से।
कल जो हम सोडा था कि बोतल लेकर आए थे उसी में से ये थोड़ा सोडा बचा हुआ था, थोड़ा क्या मतलब आधी बोतल बची थी, आधा कल मैंने पी लिया था, तो आज फिर बना लिया मैंने नींबू डाल के। हाँ क्या कर दे यार, रख रखा वो बेकार ही होता है, बढ़िया बना के पी लो उसको। उसकी याद आ गई मुझे जेठालाल की, तारक मेहता में जैसे वो सब जाते हैं ना अब्दुल की शॉप है जो सोडा शॉप, वहाँ पे सब जाते हैं आराम से पीते हैं मस्त, हाँ चल सेम वही पाली पी लेंगे। पर ये है कि बस दोस्त नहीं है यार, अकेले पीना पड़ता है, और अकेले यार खाने पीने का कुछ भी मज़ा नहीं है, सही बता रहा हूँ। जो मज़ा दोस्तों के साथ है वो किसी के साथ नहीं आता, तो दोस्तों की बड़ी याद आती है कभी कभी, तो कोई बात नहीं, अकेले ही इंजॉय करना चाहिए इंसान को कभी कभी। चलिए तो फिर इस ब्लॉग का एंड हम यहीं पर करते हैं, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक किए बिना नहीं जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना नए हैं अगर आप तो, और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन होता है वो आपके पास आ जाए करे। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।